ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से उनकी बॉडी कवरिंग होती है, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी कवरिंग किस तरह से वो उस एटमोस्फेयर में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए हेयर एंड फर, आपको पता है कि हेयर और फर्स होते हैं कुछ एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पोलर बियर का, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होते हैं, फर्स होते हैं और हेयर होते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं और ये उस एटमोस्फेयर में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है शेल, आपने देखा होगा जो टॉर्टोइस होते हैं या और भी एनिमल्स होते हैं, उनके क्या होती है, शेल होती है, ठीक है। तो वो शेल क्या करती है, उनको हेल्प करती है, जैसे कि स्नेल होता है, ठीक है, स्नेल के ऊपर भी शेल होती है, ये शेल हेल्प करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उस क्लाइमेट से बचाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्केल्स, आपने स्नेक के बारे में देखा होगा, सुना भी होगा कि स्नेक के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको और भी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं स्केल, इनको चलने में और भी सारी चीजों में स्केल्स हेल्प करते हैं। इसके बाद फीडर्स होते हैं जो कि बर्ड्स की हेल्प करते हैं फ्लाई करने में या उस एटमोस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए। तो बेसिकली हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो एडप्टेशन करते हैं, मतलब उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन अपने अंदर या स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स को एडॉप्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो लाइफ को अपनी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये केस क्या थे, बॉडी कवरिंग थी एनिमल्स की, ठीक है।